हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कविदास जी की साखियाँ व शब्द या पद जो शीर्षक था उसमें शब्द की व्याख्या करेंगे। ये हमारा पार्ट फोर्थ होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साखियों की भावार्थ व्याख्या की थी। अब शब्द की सिर्फ पहला ही पद है जो आपके कोर्स में है, दूसरा पद निकाल दिया गया है, अर्थात लेफ्ट कर दिया गया है। कुछ जो कोर्स है कम हुआ है आपका, तो इसमें केवल पहला पद ही है जो आपके कोर्स में है, तो ये पहला और आखिरी अंतिम पद है। इस तरह इसकी व्याख्या हो जाएगी तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जो कविता जी की साखियाँ और शब्द है। तो इसमें सिर्फ ये पहला वाला पद ही है जो आपके कोर्स में आ रहा है, दूसरा वाला पद आपके कोर्स से लेफ्ट हो चुका है, तो सिर्फ इसमें इसकी हमें भावार्थ व्याख्या करनी है। इसको शुरू करने से पहले, इसकी भावार्थ व्याख्या शुरू करने से पहले हम आपको ये थोड़ा बता दें कि इसमें कहा क्या गया है, इसमें शब्द में क्या कहा गया है। तो देखिए, शब्द में जो पहला पद है उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। कविदास जी द्वारा बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है और अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति के साधन का संकेत दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमें बाह्य आडंबरों से दूर रहना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर हम अपने हृदय में झांकें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। बहुत ही साधारण इसकी व्याख्या है, थोड़ा समझ लीजिए। मोह को कहाँ ढूंढे बंधे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की सांस में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कबीरदास जी की जो भाषा है वो पचमेल खिचड़ी है, यानी वो जगह जगह उन्होंने भ्रमण किया था। वो खुद तो अनपढ़ थे ही, लेकिन उनके शिष्यों ने उनके जो उच्चारण, जो उन्होंने बोला, जो गाया, उसको संकलित किया। तो उनके जो शब्द हैं, जैसे यहाँ पर शब्द है तलाश, ठीक है, मस्जिद, तो यहाँ पर शब्द अशुद्ध है, तो इन्होंने पचमेल खिचड़ी, यानी जो इनके मुंह से जो शब्द निकले थे शिष्यों ने, वही संकलित कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा भी कहलाती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को संबोधित करते हुए कि हे मनुष्य, ईश्वर कहता है, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। हे ईश्वर, हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ कहाँ खोज रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, अर्थात मैं तेरे निकट ही हूँ, तेरे बहुत समीप ही हूँ। हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ खोजने का प्रयत्न करता है, मैं तो तेरे बहुत अधिक नज़दीक हूँ। दूसरी पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ना मैं देवल अर्थात देवालय या मंदिर, ना तो मैं मंदिर में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद में मिलता हूँ, ना कावे में अर्थात मुस्लिम धर्म के तीर्थ स्थान में मिलूँगा, ना कैलाश में, ना हिंदू धर्म के तीर्थ स्थान में प्राप्त होऊंगा। तू मुझे मंदिर में, मस्जिद में, कावा में, कैलाश में ढूंढने का, खोजने का प्रयत्न कर रहा है मनुष्य, मैं इन सब जगह पे तुझे नहीं मिलूँगा। भावार्थ यहाँ पर यह कभी कहना चाहता है कि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं, ना तो कोने क्रिया कर्म, अर्थात
मैं किसी कोने में, किसी भी कोने में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। क्रियाकर्म माने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला बाह्य आडंबर अर्थात यज्ञ। कहते हैं हम यज्ञ करेंगे, योग साधना करेंगे, हम हवन कराएंगे, तो ये क्या है? हम इन क्रियाकर्मों में हम प्राप्त नहीं होंगे, ईश्वर कह रहे हैं। ना ही योग बैराग में अर्थात ना ही मैं योग साधना से मिल सकता हूँ, ना ही मैं बैराग अर्थात बैराग धारण कर लेने से, सन्यासी जीवन व्यतीत करने से मैं प्राप्त हो जाऊँगा। ये भी मनुष्य तेरा भ्रम है, अर्थात तू किसी प्रकार का प्रयत्न कर ले, मैं तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तो किस प्रकार प्राप्त होऊंगा? ये देखिए आगे कह रहे हैं, खोजी होए तो तुड़ते मिले हों पल भर के लिए। यदि तुम वास्तव में मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर यानी क्षण भर की तलाश यानी खोज में, क्षण भर की तलाश में मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम सही मायने में सच्चे मन से मुझे खोजना चाहते हो, भावार्थ यहाँ पर ये कवि कह रहा है कि तुम जिस दिन मनुष्य बाह्य आडंबरों से मुक्त हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हें सच्चे अर्थों में प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कविता जी कहते हैं कि हे साधु, हे सज्जन पुरुषों, सुनो मेरी बात सुनो, सब सांसों की सांस, मैं तो हर प्राणी की सांस में विराजमान हूँ, मैं हर व्यक्ति के सांसों में विद्वान हूँ। मैं अर्थात तुम अपने हृदय में झांक कर देखो, तुम्हारी जो सांस है वो मेरी ही प्राप्ति है। तुम अपने अंदर मुझे खोजने का प्रयास नहीं कर लो, मुझे खोजना है तो अपने मन को खोजो, अपने मन से पूछो तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। अर्थात कविता जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, भावार्थ यहाँ पर ये है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी बाह्य आडंबर क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रकार का कोई योग वैराग करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस दिन इन चीज़ों से, इन धार्मिक भेदभावों से ऊपर उठ जाएंगे, आडंबक युक्त क्रियाओं से ऊपर उठ जाएंगे, सच्चे मन से हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर ही मिल जाएगी। देखिए कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर आत्मा है, यानी हम जब कोई भी गलत कार्य करने के लिए चलते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें उसे रोकती है। ये और बात है कि हम उस अंतरात्मा की आवाज़ को ना पहचानें और गलत कार्य करने के लिए बढ़ जाएं, लेकिन अंतरात्मा क्या है? वही सच्चे मायने में हमारे अंदर बसा हुआ ईश्वर है जो हमें सही और गलत का मार्ग दिखलाता है। लेकिन अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानते हैं तो हमसे कोई भी कार्य गलत नहीं होता, और अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है। तो यहाँ पर कभी क्या कह रहे हैं कि मैं तो हर प्राणी के प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ, मुझे खोजना है तो अपने मन के अंदर खोज लो, अर्थात मैं हर व्यक्ति की सांसों में व्याप्त हूँ। तो यहाँ पर बाह्य आडंबरों का विरोध किया और ये भी कहा कि सच्चे मन से आप मुझे खोजें, अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना को प्रेरित किया यहाँ पर कवि ने कि निर्गुण ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म यानी जिसका कोई रूप नहीं है, सिर्फ अपने मन की आवाज़ से तुम ईश्वर का स्मरण करो तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसके इशारे तुम्हें गलत कार्य करने से रोकते हैं। तो ये से शब्द की भावार्थ व्याख्या थी। अब इससे संबंधित प्रश्न उठते हैं कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है और कैसे? आंसर इसका ये होगा कि मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि में खोजता फिरता है, ठीक है, और कैसे? और धार्मिक स्थानों और नाना प्रकार के योग साधना के द्वारा बैरागी बनकर
आदि माध्यम अपना भेष रखकर करने का प्रयास करता है। दूसरा प्रश्न बनता है, कवि ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है? सब प्राणियों में परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में समाया हुआ है, ये इसका उत्तर होगा। वो किसी भी जीव से अलग नहीं है, जीव का अस्तित्व उसी ईश्वर का कारण है, इसीलिए कवि ने उसे सब सांसों की श्वास में कहा है। प्रस्तुत पद में कवि ने किन बातों पर बल दिया है? तो आंसर इसका होगा कि कवि ने ईश्वर को अपने भीतर खोजने पर बल दिया है। कवि कहता है कि ईश्वर को धार्मिक स्थानों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो तो मनुष्य अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। तो देखिए यहाँ पर मोको और तेरे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए? मोको शब्द ईश्वर के लिए और तेरे शब्द मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ। भगवान देवालय या मस्जिद में क्यों नहीं मिलता, या ईश्वर देवालय या मस्जिद में क्यों नहीं मिलता? तो आंसर ये होगा कि भगवान देवालय या मस्जिद जैसे किसी आडंबर युक्त स्थान पर नहीं रहता, वो हर प्राणी की सांसों में समाया हुआ है, इसलिए उसे मंदिर या मस्जिद की जगह नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्रिया कर्म से कवि का क्या तात्पर्य है? क्रिया कर्म से तात्पर्य पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन इत्यादि जैसी क्रियाओं से है, जिन्हें मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए करता है। कवि ने खोजी किसको कहा है? कवि ने खोजी उसे कहा है जो सच्चे मन से ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। कवि ने साधुओं को ईश्वर का वास कहाँ बताया है? कवि ने साधुओं को संबोधित करते हुए बताया है कि ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर प्राणी में समाया हुआ है। तो आज ये कबीरदास जी की साखियाँ और सबद का अंतिम जो सबद था उसकी भावार्थ व्याख्या हो गई और इस तरह पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया।